गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10 पेकिन प्रकाशन का प्रश्नावली 8A का प्रश्न क्रमांक संख्या 9 इस वीडियो में कराने जा रही हूँ। बच्चों, अगर समझाने का तरीका अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो, क्वेश्चन में बोला है कि यदि sec थीटा बराबर 3/2 है तो 2 cos थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन में sin स्क्वायर थीटा प्लस 1 का मान याद करना है। देखो, पहले कुछ चीज़ें याद कर लो। आपको 6 नाम याद करने हैं, सीरियल वाइज ऐसे ही याद करना। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस सेक, है ना, बुक में दिया है, देख लेना, फिर से सुन लो। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस सेक, है ना, इसको सीरियल वाइज आप ऐसे याद करना। और एक फॉर्मूला याद कर लो, फॉर्मूले को एक स्लोगन के साथ याद करो। स्लोगन है, देखो, पी से पंडित, बी से बद्री और पी से प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, एच से हर हर और बोले। अगर आप इस स्लोगन से याद करोगे तो आप इसको भूलोगे नहीं, है ना। अब हमारे पास देखो क्या दिया हुआ है, sec की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर, है ना। sec थीटा बराबर दिया हुआ है 3/2। अब इसमें आप देखो, पहली वैल्यू होती है साइन की, दूसरी कॉस की, तीसरी साइन कॉस टेन और कॉट sec कॉसेक, नीचे से कॉट sec कॉसेक नीचे से उल्टा होता है। साइन की वैल्यू p/h, साइन कॉस की वैल्यू bh, ऐसे, है ना। तो sec की वैल्यू इसमें से क्या निकली, साइन कॉस टेन कॉट sec, sec की वैल्यू निकली h और b, तो यहाँ लिख दो h और b। अब समकोण त्रिभुज बना लो। एक हमने समकोण त्रिभुज बना लिया, समकोण त्रिभुज में इन्होंने थीटा वाटा कुछ दिया तो है नहीं, तो यहाँ लिख दो आप a, ये हो गया आपके पास b और ये c। जब थीटा दिए रहते हैं तो उस हिसाब से रखना होता है, या b की वैल्यू किस पे, समकोण किस पे, है ना। इस पे इन्होंने कुछ नहीं दिया है। अब आपके पास h कितना दिया हुआ है, h देखो, जब ये थीटा है तो h हमारा ये हो गया, है ना। h हमारे पास दिया हुआ है 3 और नीचे b बेस, b मतलब बेस यानी आधार, आधार दिया हुआ है 2। इसको बोलते हैं h, इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कर्ण हो गया, है ना। कर्ण, कर्ण मतलब हाइपोटेनियस, ये हो गया लंब, लंब मतलब परपेंडिकुलर। यहाँ हमें यही लंब निकालना है, लंब का मतलब p से परपेंडिकुलर होता है। तो सबसे पहले आप पाइथागोरस प्रमेय से स्कल को निकाल लो, लंब निकाल लो। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा फॉर्मूला होता है इसका, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण हमारे पास दिया हुआ है 3 का स्क्वायर, आधार दिया हुआ है 2 का स्क्वायर, लंब हमें पता लगाना है ना, तो लंब की जगह लंब लिख दो। जो जब कर्ण पता लगाना होता है तो जोड़ा जाता है, जब आधार या लंब निकालते हैं तो माइनस करना होता है, तो यहाँ लिख दो लंब का स्क्वायर बराबर, देखो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और ये इधर चला जाएगा तो माइनस का हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया 4, यानी लंब। और यहाँ कितना हो गया, देखो 9 में से 4 माइनस हुआ तो 5 आ गया और ये स्क्वायर यहाँ लगा देंगे, यानी लंब की वैल्यू कितनी निकल आई, √5। अब हमारे पास इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला था, कॉस, है ना, तो सबसे पहले कॉस की वैल्यू निकाल लो। देखो कॉस थीटा बराबर होता है, अब इसी से पढ़ो, देखो साइन कॉस यानी बी एच, तो यहाँ लिख दो बी और ये हो गया एच। बी इतना है हमारा, बी यानी बेस आधार, तो बी है हमारा 2 और एच है हमारा 3। फिर दूसरा साइन के बाद कॉस के बाद टेन, देखो टेन की वैल्यू क्या होती है, देखो यहाँ से साइन कॉस टेन यानी पी बी, तो टेन को आप लिख दो P और ये हो गया नीचे आपका B। P की वैल्यू है हमारी, यहाँ देखो P परपेंडिकुलर है ना, ये हो गया √5 और B है हमारा 2। और क्या बोला इन्होंने, एक साइन की वैल्यू और निकालनी है, तो साइन की और निकाल लो। देखो साइन थीटा बराबर होता है पी एच, पी हमारे पास है यहाँ √5 और H है हमारे पास 3, सारी वैल्यू हो गई ना। अब फॉर्मूला रखते हैं, देखो फॉर्मूला है हमारे पास 2, अब कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का लगाते हैं, कॉस की वैल्यू रख दो 2/3, फिर साइन माइनस का, फिर हमारे पास टेन बोला है उन्होंने तो टेन की वैल्यू है हमारी √5/2 और उसका स्क्वायर अपॉन में दिया है साइन, साइन की वैल्यू है हमारी √5/3 और उसका स्क्वायर है, फिर प्लस है आपका 1, है ना। इसको सॉल्व कर लो तो देखो 2 जा हो गया 4/3 माइनस, यहाँ √5 है ना, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो यहाँ हो गया 5। रूट का मतलब होता है आधी वैल्यू, तो आधी और आधी मतलब पूरी हो गई, और नीचे 2 का स्क्वायर हो गया 4, फिर नीचे भी वही देखो कट गया,
फाइव हो गया और थ्री का स्क्वायर होता है नाइन, यहाँ प्लस वन, नीचे वन लगा लो आप, है ना, क्योंकि भिन्न में बनाना है आपको फ्रैक्शन में। चार और तीन का एलसीएम हो गया आपके पास बारह, इसको भी देखो बारह बना लो, यानी थ्री फोर ज़ा ट्वेल्व, तो फोर फोर ज़ा हो गया हमारे पास सिक्सटीन, और यहाँ पर देखो फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व, तो फाइव थ्री ज़ा फिफ्टीन, नीचे भी ऐसे देखो यहाँ दोनों का एलसीएम हो जाएगा वन नाइन ज़ा नाइन, तो यहाँ पर भी वन नाइन ज़ा नाइन, ये हो गया हमारा नीचे एलसीएम नाइन हो गया, ये प्लस और यहाँ हो गया नाइन। सॉल्व कर लेते हैं, देखो सोलह में से पंद्रह माइनस वन तो बचा वन, साइन हमेशा बड़े वाले का लगता है, नीचे ट्वेल्व हो गया अपॉन में नौ और पाँच चौदह अपॉन नाइन, इसको रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रम होता है, मतलब नीचे के नंबर को उल्टा करना होता है ना, क्योंकि चार फ्रैक्शन तो होते नहीं है। गुणे का साइन लगा दो, नाइन ऊपर लिख दो, फिर लिख दो यहाँ फोर्टीन, ये जो था नाइन हमने ऊपर कर दिया, फोर्टीन यहाँ लिख दिया, देखो थ्री थ्री ज़ा नाइन और थ्री फोर ज़ा हो गया ट्वेल्व, बचा कितना हमारे पास, देखो यहाँ आ गया थ्री और ये फोर फोर्टीन फोर ज़ा फिफ्टी सिक्स है ना, तो यहाँ लिख दो यानी थ्री अपॉन फिफ्टी सिक्स, यही आपका आंसर हो गया। देखो फोर्टीन को फोर से मल्टीप्लाई कर दिया। बच्चों अगर समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो डालने का इंटरेस्ट बढ़ेगा, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको डालूंगी, लेकिन प्रकाशन के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगी और आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बच्चों।